हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यानी हमारे भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित जो साइट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे डिटेल विद इमेजेस। सो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम दो लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, यानी पार्ट वन, जिसमें हम 21 साइट्स को कवर करेंगे, और दूसरे लेक्चर में हम बची हुई 17 साइट्स को कवर करेंगे। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारी पहली साइट से वो है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये गुफाएं हैं, और ये कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और इनको 1983 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को द्वारा, और इनका निर्माण गुप्त शासकों द्वारा निर्मित कराई गई थी, और बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर गुफाएं हैं। कुल 29 गुफाएं हैं दोस्तों यहाँ पर, और सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, यानी बौद्ध धर्म में जो होते हैं स्तूप विहार वगैरह, वो सब यहाँ पर बने हुए हैं, और ये बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी पहले रहा करते थे, लेकिन इनकी खोज बाद में की गई है। तो चलिए देखते हैं अपने अगली साइट्स को। अगली साइट से हमारी एलोरा की गुफाएं, इसको भी 1983 में, यानी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, और ये भी वहीं, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में ही हैं। इनका जो मूल नाम था वो वेरुल हुआ करता था, बाद में इनको एलोरा की गुफाएं कहा गया, और इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। और यहाँ पर जो गुफाएँ हैं, 34 गुफाएँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा गुफाएँ एलोरा की गुफाओं में ही हैं। हम चार प्रकार की गुफाएं पढ़ेंगे अभी, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो गुफाएं हैं वो एलोरा में ही हैं। और यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं हैं दोस्तों। हम बता रहे हैं आपको कि कितनी कितनी किस धर्म की गुफाएं हैं। तो जो बौद्ध गुफाएं हैं वो यहाँ पर 12 गुफाएं, बौद्ध गुफाएं 1 नंबर से 12 नंबर तक मिलेंगी आपको। फिर हैं 17 हिंदू गुफाएं, जो कि 13 नंबर से 29 नंबर तक हैं। उसके बाद 5 जैन गुफाएं हैं, जो कि 30 नंबर से 34 नंबर तक हैं। और जो 16वीं गुफा है, 16वीं गुफा पर ही कैलाश मंदिर बना है, यानी भगवान शंकर का बहुत बड़ा मंदिर बना है, कैलाश मंदिर। और आपने दोस्तों देखा भी होगा, 20 रुपए के जो नया नोट आता है उसमें एलोरा की गुफाओं को ही चित्रित किया गया है। तो ये धरोहर है हमारे भारत की, और बहुत ही सुंदर ये गुफाएँ। अभी हम आगे आपको इमेज भी दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, पहाड़ को काट कर बनाई गई ये गुफाएं, बहुत ही सुंदर, आप ज़रूर जाइए घूमने यहाँ पर, बहुत ही अच्छी गुफाएं। और यहाँ पर 34 गुफाएं। अब चलिए देखते हैं अपनी अगली गुफाओं। अगली गुफाएं हमारी एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों। इनका जो ऐतिहासिक नाम हुआ करता था वो धारापुरी गुफाएं हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर हाथियों की कई मूर्तियाँ मिली, तो इसका नाम एलिफेंटा गुफाएँ रख दिया गया। इसको 1987 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। और ये कहाँ है? ये भी वहीं है, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से 12 किलोमीटर दूर ये गुफाएँ स्थित हैं। इनका निर्माण सिल्हारा वंश और राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था, मतलब इन गुफाओं का निर्माण कराया था। और यहाँ पर गुफाओं की संख्या है केवल 7, और ये जो पूरी गुफाएँ हैं ये सभी हिंदू गुफाएं हैं, यानी यहाँ पर भगवान शिव पर आधारित, भगवान शिव पर आधारित ही सब गुफाएं हुई। यहीं पर आपके भगवान शिव के अनेक रूप आपको देखने को मिल जाएंगे इस गुफा में, नटराज रूप, त्रिमूर्ति रूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन आपको इस गुफाओं में होंगे। तो बहुत ही अच्छी गुफाएँ, और पत्थर को काट कर बनाई गई हैं। और यहाँ पर जो पहली गुफा है वो लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, जो पहली गुफा है वो 1 किलोमीटर लंबी है, एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई ये गुफाएँ। आगे हम आपको इमेज दिखा रहे भी, ये देखिएगा दोस्तों, एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई ये गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। और ये यहाँ पर भगवान शंकर की मूर्तियाँ बनी हैं, जिनमें भगवान शंकर के कई रूपों के दर्शन होते हैं। तो बहुत ही अच्छी गुफाएं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली साइट्स की ओर। अगली हमारी भीमबेटका की गुफाएँ। भीमबेटका नाम कैसे पड़ा? तो दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव पहले आए थे, और भीमबेटका मतलब भीम के बैठने का स्थान, तो ये कहीं ना कहीं पांडव से रिलेट करती हैं, महाभारत से रिलेट करती हैं। और इनका जो इतिहास है ये लाखों साल पुरानी गुफाएं हैं दोस्तों, लाखों साल पुरानी। और यहाँ पर कई गुफाएं पाई गई, कई रॉक शेल्टर्स पाए गए यहाँ पर। तो जो केवल यहाँ पर 12 गुफाएं हैं जो दर्शकों के लिए खोली गई हैं, बाकी अभी बंद हैं। और बहुत सारे पत्थर भी यहाँ पर पाए गए, इसकी खोज विष्णु श्रीधरवाड़ वाकणकर ने की थी, और इनको 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। ये MP के रायसेन ज़िले में है।
और यहाँ पर पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल शैली के चित्र भी मिले हैं, यानी शैल चित्र भी मिले हैं। वहाँ पर लगभग 750 राख शेल्टर भी हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये चित्र मिले हैं वहाँ की गुफाओं पर बने हुए, लाखों साल पुरानी गुफाएं, बहुत ही प्राचीन, जब पूरा पाषाण काल नवपाषाण काल के समय की ये गुफाएं हैं। तो चलिए, ये चार गुफाएं थी हमारी। अब हम बढ़ेंगे मुगल शासन की ओर। तो अब जितने हम आपको जो 6 साइट्स पढ़ाएंगे, वो सभी कहीं ना कहीं मुगल काल से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं मुगल काल के अंदर ही आती हैं ये 6 जो आगे साइट्स हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें पहली है हमारी आगरा का किला। आगरा किला दोस्तों बहुत ही अच्छा किला बना हुआ, और इसको 1983 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ये पहले राजपूतों के पास हुआ करता था ये किला, फिर जब सिकंदर लोधी भारत आया तो उसने राजपूतों को हरा कर इस पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद जब बाबर आया तो उसने सिकंदर लोधी को हरा कर फिर बाबर का इसमें कब्जा रहा। उसके बाद जो उसके आने वाले आगे जो मुगल शासक थे, सभी ने इस पर राज किया, और अकबर ने फिर इसका निर्माण कराया लाल बलुआ पत्थर से। आप देख सकते हैं ये बना हुआ किला है, और बहुत ही अच्छा किला है। और यहाँ पर 2 गेट भी हैं, यानी दिल्ली गेट जिस पर छावनी बनी हुई है सेना की, तो वहाँ से दर्शकों को प्रवेश नहीं दिया जाता। एक और द्वार है अमर सिंह द्वार, वहाँ से ही दर्शकों को प्रवेश दिया जाता है। और अकबर ने इसको बनवाया था, पुनर्निर्माण इसका कराया था। उसके बाद शाहजहाँ ने भी यहाँ पर अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया है, क्योंकि शाहजहाँ को वाइट मार्बल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो उन्होंने वाइट मार्बल से ही अंदर मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया था। और कहा जाता है औरंगजेब ने शाहजहाँ को, यानी अपने पिता शाहजहाँ को यहीं पर कैद कर दिया था। तो यहीं पर एक जगह हुआ करती थी मुसम्मन बुर्ज, वहीं से शाहजहाँ अपने ताजमहल का दीदार करता था, और उसी को देखते हुए उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा किला है, बहुत ही बेहतरीन किला है जिसको कह सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगली साइड्स की ओर। अगली हमारी फतेहपुर सीकरी। इसको 1986 में शामिल किया गया था। ये आगरा से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर है फतेहपुर सीकरी एक शहर, और इसको अकबर ने बसाया था 1569 में। अकबर चूँकि आगरा में शासन करता था, तो उसने ही इसको बसाया था 1569 में। और फिर गुजरात विजयपुर इसने यहाँ पर एक बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण कराया था, और जिसकी ऊंचाई 54 मीटर है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है बुलंद दरवाज़ा, 54 मीटर ऊंचाई बुलंद दरवाज़ा है। और इसको मक्का मस्जिद की नकल भी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है ये मक्का मस्जिद की नकल है, क्योंकि आपने शायद मक्का मस्जिद देखी हो, तो वो भी इसी टाइप की बनी हुई है, तो उसी की नकल इसको माना जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगली साइट्स की ओर। अगली है हमारी ताजमहल। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे और जा भी चुके होंगे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, शामिल है, और इसको 1983 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, और ये यूपी के आगरा में स्थित है। इसको शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, और यमुना के किनारे बसी हुई, और कहते हैं कि ये मौसम के अनुसार अपना रंग बदलता है, यानी चांदनी रात में ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें मकराना का संगमरमर लगा हुआ है, यानी वाइट मार्बल से बनी हुई है बिल्डिंग्स है। और इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, इसके वास्तुकार थे। तो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है दोस्तों, आप ज़रूर जाइएगा देखने यदि नहीं गए हैं तो। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली साइड्स की ओर। अगली साइड हमारी लाल किला। दोस्तों लाल किला में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो हमारा आगरा में भी लाल किला है और दिल्ली में भी है, दोनों मुग़ल काल से ही रिलेटेड है। और इसको 2007 में शामिल किया गया था। ये दोस्तों 1947 में सेना का कार्यालय यहाँ पर हुआ करता था, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसको सेना का कार्यालय बना दिया गया था, बट 2003 में इसको पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया, और इससे काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट होता है भारत सरकार का, क्योंकि बहुत सारे दर्शक यानी टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। तो ये कहाँ, ये पुरानी दिल्ली में स्थित है, और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसको बनवाया था लाल बलुआ पत्थर से। और इसके अंदर भी मोती मस्जिद है, आपको जहाँ जहाँ बड़े बड़े फोर्ट मिलेंगे तो उसके अंदर मस्जिद भी मिलेगी, मोती मस्जिद। और यहाँ पर औरंगजेब ने बनवाई थी मोती मस्जिद। और आप दोस्तों देखते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर यहीं से देश को संबोधित भी करते हैं, तो अभी हम आपको इमेज भी दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दिल्ली का लाल किला, ये हमारे भारत का ध्वज लगा हुआ है, और बहुत ही सुंदर किला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अपनी अगली साइट्स को। अगली हमारी हुमायूं का मकबरा।
इसको 1993 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, और ये भी नई दिल्ली में ही स्थित है। और ये चार बाग शैली का प्रथम उदाहरण है, और ताजमहल का इसको पूर्वगामी भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा मकबरा बना हुआ है, और ये हुमायूं की बेटी ने बनवाया था मकबरा। और यहाँ पर और कई मुग़ल शासकों के मकबरे बने हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, तो काफ़ी पर्यटन भी है इस क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अपनी अगली साइट्स को, जो कि है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दोस्तों, इसको 1993 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, और मेहरौली भाग में, यानी दिल्ली के मेहरौली भाग में ही बनी हुई है। और ईंट से बनी ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों, ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार। इसकी लंबाई 72.5 मीटर है, और इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन एक ही बिल्डिंग बन पाई थी, और उस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो फिर उसके दामाद यानी अगले शासक गुलाम वंश के इल्तुतमीस ने इसकी तीन बिल्डिंगें फिर इल्तुतमीस ने बनवाई इसकी। और ये कई बार नष्ट भी हुई बिजली गिरने से और आक्रमण से, ये कई बार नष्ट भी हुई, तो एट लास्ट फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण पूरी तरह इसको निर्मित कराया कुतुब मीनार को। और दोस्तों इसमें एक भ्रम होता है कि ये कुतुब मीनार तो आपको लग रहा होगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर बनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनी हुई है, यानी उन्हीं के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। और अफगानिस्तान में एक जाम मीनार थी, उसी की कहीं ना कहीं उसी की नकल इसको माना जाता है, उसी से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाई थी। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी। और यहाँ पर और कई मुग़ल शासन से जुड़ी हुई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अलाई दरवाज़ा है, और बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं अपने, हमारी ये मुग़ल काल से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स थी छः, वो हमने कवर की। अब हम मंदिर देखेंगे, जो मंदिर्स हैं फेमस फेमस हमारे टेंपल्स हैं उनके बारे में। तो इसमें पहले आता है हमारा सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सूर्य मंदिर, इसको 1984 में शामिल किया गया था कोणार्क, उड़ीसा के कोणार्क में। सूर्य देव को समर्पित है नाम ही इसका सूर्य मंदिर, तो ये सूर्य देव को समर्पित मंदिर है, और राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये कलिंग शैली में बना हुआ है, और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सूर्य की छाया नहीं बनती इस मंदिर में, और स्थानीय लोग इसको विरंचि नारायण के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारे नए नोट चल रहे हैं उनमें 10 रुपये के नोट के पीछे आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पर इसको चित्रित किया गया, क्योंकि ये हमारी धरोहर भी है और बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों पहले के नाविकों द्वारा कि इसके अंदर भारी मात्रा में मैग्नेट का प्रयोग किया गया था, तो ये जो वाटर शिप्स होते थे तो उनको अपनी ओर खींच लेता था, इतने ज़्यादा इस पर मैग्नेटिक का प्रयोग किया गया था, ऐसा कहा जाता है। और तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगली साइट्स की ओर, जो कि है महाबलीपुरम मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, ये द्रविणियन स्टाइल में बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, 1985 में इनको शामिल किया गया था महाबलीपुरम के मंदिर को, और ये तमिलनाडु के चेन्नई में पल्लव शासकों द्वारा बनवाया था, यानी नरसिंह देव वर्मन ने, नरसिंह वर्मन ने इनका निर्माण कराया था। और बहुत सारे टेम्पल यहाँ पर मौजूद हैं, और ये भगवान शंकर से रिलेटेड हैं, यानी शिव से संबंधित हिंदू टेम्पल्स यहाँ पर बने हुए हैं महाबलीपुरम में, तो इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले मंदिर और खजुराहो मंदिर दोस्तों आते हैं। इनको 1986 में शामिल किया गया था, ये चंद बर्मन द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ पर हिंदू व जैन मंदिर दोनों धर्मों के मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर बने हुए प्राचीन काल में। इनको खजूर वाइका कहा जाता था, और फिर वर्तमान में इनका नाम खजुराहो है। और यहाँ पर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं, और कालिंजर किला, अजयगढ़ दुर्ग भी इसी के आसपास मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल है, और बहुत सारे पर्यटक आते भी हैं देखने, और काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट होता है यहाँ पर एमपी सरकार का। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगली साइट्स को, जो कि है हम्पी के मंदिर। हम्पी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी, हरिहर बुक्का ने खोज की थी, और 1986 में इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ये कर्नाटक के हम्पी में स्थित है मंदिर, तुंगभद्रा नदी के तट पर, और 50 रुपये के नोट पर आप देख सकते हैं हम्पी के मंदिरों को ही चित्रित किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगली साइट्स की ओर, जो कि है पड़क्कल के मंदिर।
पड़क्कल में भी दोस्तों बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया। यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स भी हैं, बुद्ध टेम्पल्स भी हैं, जैन टेम्पल्स भी हैं। लगभग 150 टेम्पल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये कर्नाटक में स्थित है। 1987 में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और चालुक्य वंश के शासकों द्वारा इनको बनवाया गया था। और ये सभी द्रविड़ स्टाइल में ही बने हैं, चूँकि पहले जो चालुक्य वंश के राजा थे पाल, और तो द्रविड़ थे, ये सभी कहीं ना कहीं द्रविड़ स्टाइल में ही मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे। तो जैसे जो हमारे चोला टेम्पल थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी द्रविड़ शैली में ही बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये पड़क्कल के मंदिर, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ का संगम मिलेगा आपको, दोनों स्टाइल मिलेंगी, क्योंकि पड़क्कल के मंदिरों में सभी हिंदू मंदिर भी हैं, बुद्ध मंदिर भी हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ का एक संगम दिखाई पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगली साइड की ओर, जो कि है चोला मंदिर। तमिलनाडु में कई सारे चोला टेम्पल्स बने हुए हैं, यानी चोलों द्वारा बनवाए गए मंदिर बने हुए हैं, जिनमें तीन मुख्य हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। जिनमें पहला है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर ये दोस्तों ग्रेनाइट से बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर, इसको 1987 में शामिल किया गया था, राजा राज चोल प्रथम ने इसको बनवाया था, और पूरा ग्रेनाइट से, और बहुत बड़ा आपको यहाँ पर गुंबद देखने को मिलेगा इसमें, काफ़ी भारी भरकम। उसके बाद आता है गंगई कोटा चोलीश्वरम, ये भी मंदिर है एक, और ऐरातेश्वर मंदिर है। ऐरातेश्वर मंदिर ये आप देख सकते हैं, ये आपकी कुछ हाथी टाइप की मूर्ति बनी हुई, इसीलिए इसका नाम भी ऐरातेश्वर मंदिर रखा गया है। इसको 2004 में शामिल किया गया था। ये हिंदू मंदिर है, शिव पर आधारित है, शिव की ये आप देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जिनमें भगवान शंकर के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले, ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा चोला टेम्पल है ये। नाइट में उसका सीन है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है, आप ज़रूर जाइएगा घूमने। अब आता है हमारा महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, और ये बिहार के बोधगया में स्थित है, बोधगया में। और बोधि वृक्ष भी यहीं पर है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो वृक्ष भी यहीं है। ये मंदिर है देखिए दोस्तों, महाबोधि मंदिर। इसी टाइप का एक मंदिर आपको सारनाथ में मिलेगा, वहाँ पर भी कई स्तूप भी बने हुए हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो भी एक पर्यटन स्थल है। और ये भी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये है महाबोधि मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे मंदिर थे, जिनमें हमने लगभग 6 मंदिर पढ़े। उसके बाद आते हैं हमारे आगे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें आते हैं गोवा के चर्च। गोवा के चर्चों को दोस्तों पुर्तगालियों ने बनवाया था काफ़ी, क्योंकि क्रिश्चियन थे वो लोग, तो पुर्तगालियों ने काफ़ी चर्चों का निर्माण कराया गोवा में, और काफ़ी समय तक कब्जा भी रहा पुर्तगालियों का गोवा में, इसलिए उन्होंने काफ़ी निर्माण कराया यहाँ पर। 1986 में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। बसिलिका बोन जीसस चर्च मुख्य चर्च है गोवा की, और यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर की चांदी के ताबूत में ममी रखी हुई है, उसी को देखने लोग आते हैं फॉरेन से। और अभी हम आगे आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारी चर्चें हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत चर्च है दोस्तों। यहाँ पर क्रिश्चियंस आते हैं फॉरेन से भी, और कई जगह से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने। तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हमारी रानी की वाव। रानी की वाव, इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, और ये कहाँ है, गुजरात के पाटन में। गुजरात के पाटन में सीढ़ीदार कुआं, वाव का मतलब होता है तो सीढ़ीदार कुआं, यानी ये 7 मंजिला वाव बनी हुई, ये आप देख सकते हैं। और चालुक्य राजा भीम ने अपनी पत्नी की याद में इनका निर्माण कराया था, और बहुत सारी गुजरात में आपको ये मिलेंगी, बहुत सारी वाव बनी हुई है। ये कुल मिला के एक अंडरग्राउंड मंदिर होते हैं, कि आप नीचे चले जाएंगे फिर आपको कुआं मिलेगा सबसे नीचे, और आसपास बैठने के स्थान और टेंपल भी मिलेंगे। तो ये जो रानी की वाव है, ये 65 मीटर लंबी है, 65 मीटर लंबी, और 28 मीटर यानी 28 मीटर गहरी है। और यहाँ पर जब आप अंदर जाएंगे टेंपल में, तो विष्णु भगवान के 12 अवतार आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर हिंदू रिलेटेड मंदिर ही हैं, जो रानी की वाव है, यहाँ पर हिंदू रिलेटेड मंदिर बने हुए हैं, यानी भगवान विष्णु के अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है। अभी हम आगे आपको पिक दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पिक है, यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं, और सबसे नीचे आपको मिलेगा कुआं, ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी पिक है, और कितना अच्छा ये निर्माण जो कराया गया है, बहुत ही खूबसूरत। ये आपको कुआं मिलेगा नीचे, और ये आसपास आप देख सकते हैं मूर्तियाँ
हिंदू रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड भगवान विष्णु के अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली साइट्स की ओर, जो कि है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, इसका निर्माण इसे अशोक ने कराया था और इसको 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, और ये मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है बेतवा नदी के तट पर। और बेतवा नदी के तट में अन्य तुम्हें जो अन्य आप लोगों को जो स्थान मिलेंगे उनमें ओरछा का किला और बहुत सारे स्थान जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है देखने लायक। तो इसको पुष्यमित्र शुंग जब आए तो उन्होंने इसको तुड़वा दिया, पुष्यमित्र शुंग ने इसको तुड़वा दिया और फिर अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है जो स्तूप हैं, आप देखें कई जगह सारनाथ में भी स्तूप है और ये सांची का स्तूप भी, ये सभी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं और बहुत ही अच्छे इनका निर्माण कराया गया। चलिए देखते हैं अगली साइट हमारी नालंदा महाविद्यालय, बहुत ही अच्छा महाविद्यालय दोस्तों। 2016 में इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये बहुत ही बड़ा विद्यालय हुआ करता था, विश्व का प्रथम आवासीय महाविद्यालय, मतलब यहाँ पर हॉस्टल हुआ करते थे जहाँ पर विदेशों से छात्र पढ़ने आया करते थे। और बुद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पर शिक्षा, वैसे हर धर्म की दी जाती थी लेकिन बुद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पर कई सारी लाइब्रेरी भी थी जिनमें अनेक किताबें, और आपकी जानकारी के लिए बता दें ह्वेनसांग भी यहीं से पढ़े हैं और बख्तियार खिलजी जो कि खिलजी वंश का था, उसने यहाँ पर जो लाइब्रेरी इसको काफ़ी हानि पहुँचाई थी और आग लगा दी थी यहाँ पर, तो लाइब्रेरी को काफ़ी हानि हुई और बहुत सारी किताबें यहाँ पर जल गई। तो अब इसके केवल अवशेष ही बचे हैं और इसको संरक्षित किया गया है भारत सरकार द्वारा और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल कर लिया गया 2016 में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कुल 21 जो हमारी साइट्स थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उनको कवर किया। अब हमारा जब इसका दूसरा पार्ट आएगा यानी अगले लेक्चर में, हम जो बाकी बची हुई हमारी 17 साइट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी सीरीज के साथ और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।